दोस्तों इससे पहले फर्स्ट पार्ट ऑफ मेहंदीपुर बालाजी में हम दिल्ली पार करके मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर पहुंच चुके हैं। प्रभु मेहंदीपुर बालाजी के हमने दर्शन कर लिए थे, आपको सवामणि के बारे में हमने डिटेल्स बता दी थी, वहाँ के बुकिंग ऑफिस भी आपको दिखा दिए थे और भी काफ़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दी थी। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है अभी तक तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप जाके उसको ज़रूर देखिए। चलिए अब बारी है मेहंदीपुर बालाजी से विदा लेने की और दिल्ली पहुँचने की, तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई जो ढाबे वाले हैं यहाँ पे भैया बहुत प्यार से खाना खिलाते हैं, आप भी खाना खाओ यहाँ पे आके। एज यूजुअल भाई हर जगह कहीं भी चले जाओ ये सबसे ज्यादा फ्रेश मिलती है। दाल मंगा ली है, रोटी मंगा ली है और लस्सी भैया सामने से दौड़ के ले आया है वहाँ से। अब अपनी बारी है इसको खाने की, गजब का खाना। और भाई से प्यार से बात करो, प्यार से तो दुनिया बस में हो जाती है। आप बात है नहीं, भाई को मैंने बस में कर लिया, भाई खुश हो गया, भाई बड़ा मजा आ गया, बात लेके आ गया भाई, मजा आ गया। बढ़िया है, बढ़िया फर्स्ट क्लास और फ्रेश है, फ्रेश है, कोई खट्टापन वगैरह कुछ नहीं है। ये वाला भाई बहुत बढ़िया आदमी है भाई, बहुत प्यार से खिलाता है और आना जरूर इसके पास में जब भी बालाजी मंदिर में दर्शन करने आओ, ठीक है जी। दोस्तों श्री राम दरबार के जस्ट सामने मेहंदीपुर बालाजी का विशाल मंदिर है और मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर के जस्ट बाहर दान पात्र लगे हुए हैं। जब भी आप घर के लिए अपना वापिस का रास्ता स्टार्ट करें 10 रुपए की दरखास्त जरूर वहाँ पे लगानी चाहिए, जिससे आप जो भी कुछ गलती गुना दोष हुआ है आपसे प्रभु से उसके लिए क्षमा मांगे और अपने घर के लिए यात्रा स्टार्ट करें। और अब मेहंदीपुर बालाजी का नाम लेके अपने घर की जर्नी हम स्टार्ट करते हैं। बोलो जय श्री राम, जय मेहंदीपुर बालाजी। बोलो जय श्री राम। दोस्तों अब हम निकल चुके हैं अपने घर के लिए। भाई जो ये टाइम और ये जो रास्ता दिखा रहा है किलोमीटर दिखा रहा है 291 किलोमीटर दिखा रहा है, बट इतना नहीं होगा क्योंकि ये जो रास्ता दिखा रहा है जो अपना ये जो टोयोटा वाला जीपीएस है ये दिखा रहा है वृंदावन से आपने गाड़ी लेनी है। हम वृंदावन से नहीं लेंगे, मतलब ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर हो गए ना, और हम लेंगे मेन रोड से जो आपका आगरा बीकानेर हाईवे है वहां से लेफ्ट ले लेंगे, लेफ्ट लेके फिर अलवर साइड से हम जाएंगे तो ये सीधा सीधा 50 किलोमीटर कम हो जाएगा, 250 किलोमीटर हो जाएगा। वहां पे थोड़ा फॉग का इतना ज्यादा रिस्क भी नहीं है, और जबकि जो वृंदावन साइड है वृंदावन साइड में अगर हम एक्सप्रेसवे से आएंगे तो भाई नेचुरल सी बात है रात को बहुत ज्यादा फॉग में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट यहाँ पे इतना ट्रैफिक व्रैफिक नहीं रहता है, ठीक है। तो यहाँ से चलते हैं। तेरे सारे तेवर तुझे सही लगती है, हार्ट ब्रेकर तेरी बातें लिखते हैं देसी रॉक। फौजीराज ढाबा आ चुका है, थोड़ा सा यार जलपान कर लेते हैं, भूख तो इतनी नहीं लग रही है, मन तो भाई किसी भी चीज का नहीं है खाने का, बड़ा कुछ ना कुछ तो खाने पड़ेगा। यहाँ से फ्लाईओवर के यहाँ से ना यूटर्न लेना पड़ता है इसमें, तो शराब पीना व पीकर आना सख्त मना है। सही बात है भाई, शराब वैसे भी ना पिया करो भैया, हम भी ना पीते, बेकार चीज है, घर बर्बाद कर देती है। हम रुक गए द ग्रेट भाई फौजी राज ढाबा पे सिंस 1999। सही है भाई, आज तो पता नहीं क्या है, कुछ फंक्शन है या फिर न्यू ईयर की सेलिब्रेशन है, न्यू ईयर आएगा अब तो काफी दिन हो गए हैं, फिर भी जो है ना काफी अच्छा खासा डेकोरेट कर रखा है, लाइटिंग हो रखी है। तो चलो आओ अंदर चलते हैं और कुछ देखते हैं यार, कुछ लाइट में अगर कुछ मिल जाए तो। ओ बेटा जो मैं ढूंढ रहा था खाट आखिरकार मिल ही गई भाई, यहीं बैठ जाऊंगा एक मिनट ना, ऑर्डर में दे देता हूँ भैया को और फिर अपना बाहर बैठ जाते हैं। यार वैसे तो काफी सही कर रखा भाई, मतलब प्लास्टिक की जो वेस्ट बोतलें हैं उनसे काफी कुछ बना रखा भाई, ये तो भारत दर्शन पार्क की तरह हो गया है, सही चीज बना दी भाई, अच्छा बना दिया भाई। अब यहाँ पे इस वाली खाट पे हम विश्राम करेंगे और यहाँ पे अपना जो भी कुछ मैंने चाय ऑर्डर करी है और आलू के पकौड़े ऑर्डर करे हैं तो वो आ जाएंगे, वो खाते हैं और फिर अपना चलते हैं हम आगे। भाई जूते वूते उतार के आराम से विश्राम कराए, 5-10 मिनट रेस्ट कर लिया, इतने में बढ़िया लाजवाब पकौड़े आ गए, आलू के चटनी दोनों लाजवाब और अपना स्पेशल चाय, तो आइए इसका आनंद उठाते हैं भाई।
भगवान जी का भोग हमने निकाल दिया है। सबसे पहले तो भैया भगवान जी को भोग लगाना चाहिए, सिर्फ उन्हीं की बदौलत है भाई जो आज हमें ये अन नसीब हो रहा है, अच्छी लाइफ है, सब चीजें हैं भाई उन्हीं की बदौलत है। तो चलो आओ पहले श्री गणेश करते हैं भोलेनाथ का नाम लेके। बहुत अच्छा भाई, अब जब भी यहाँ से जाओ ना भाई बालाजी मंदिर से वापसी दिल्ली, दिल्ली से बाला मंदिर, भूख लग रही है आप यहाँ पे जरूर रुको, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया होटल है भाई, मजेदार भाई। ठंडी में चाय तो गजब करती है भैया। एक बात है, अंग्रेज चले गए चाय का चस्का छोड़ गए इंडिया वालों के लिए। ये फ्लाईओवर है भाई जो सीधा मेहंदीपुर बालाजी जाता है और यहाँ से आप दिल्ली जाते हो। नीचे फ्लाईओवर के नीचे फौजीराज ढाबा है भाई। एक बात है, खा के तो भाई आनंद आ गया, अब आराम से दिल्ली कूच करी जाएगी। जी भैया हमारी तो नगरी दिल्ली है, है? चाहे जो भी हो। हाँ जी हम तो दिल्ली में ही कूच करेंगे, चलो चलते हैं। बोलो जय श्री राम। एक मिनट लाइट नहीं आ रही भाई, बोलो बोलो जय जय श्री राम। रात के 7:06 हो रहे भाई, इस टाइम पे हल्की हल्की फॉग जो है ना बहुत हल्की हल्की स्टार्ट हो रही है बिल्डअप होनी, तो मतलब ये मान के चलो ये गांव वाला जो एक तरीके का इलाका है ये मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर पार कर दूंगा। 140 किलोमीटर घर तक रह रहे हैं, तो चलो आओ दिल्ली की तरफ कूच करते हैं भाई। बड़ी तगड़ी आवाज आई थी धप करके, और ये देखो जी क्या हुआ, पूरा का पूरा टायर ये तो गया जी, यो तो गयो, यो ना बचा, ये तो गया। इसमें तो मैं हवा भी नहीं भर सकता मशीन से। अब भैया रात के बज रहे हैं, देख लो कितना टाइम हो रहा भाई, ये बज रहे हैं 8:08, 8:10 है और ये गया। चलो चेंज करते हैं भाई, चलो जी काम पे लग जाओ। मतलब देखो सिर्फ 90 किलोमीटर रह गए थे भाई और उस टाइम पे टायर पंचर हुआ। बालाजी की कृपा है कि भैया टायर पंचर वाला मात्र 100 मीटर के डिस्टेंस पे था। थोड़ी देर मैंने मशक्कत करी, मेहनत करी खोलने के लिए भाई, अब वो ये हाबड़ा ताबड़ में ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। और उसके बाद में एक राजस्थानी भाई मिल गया, उन्होंने कहा कि आप जो है ना एक काम करो वहीं पर ही चले जाओ और वहां पे 100 मीटर दूरी पे पंचर वाला है, वहां पे वो आपका लगा देगा। चलो जय बालाजी महाराज, चलो जी अब घर पहुंचते हैं। Oh।